ननकाना साहब वाक्या काबिले मुजम्मत और हुकूमती विजन के मुखालिफ। भारत में अकलियतों के साथ सलूक और ननकाना वाक्य में बहुत फर्क है। वजीर आजम का ट्विटर पैगाम, कहा मुसलमानों को हदफ बनाकर हमले करना आरएसएस एजेंडे का हिस्सा है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि ननकाना साहब वाकया मेरे विजन के खिलाफ है। हुकूमत इस मामले पर जीरो टॉलरेंस दिखाएगी। भारत में अकलियतों के साथ सलूक और ननकाना साहब वाकये में बहुत फर्क है। मुसलमानों को हदफ बनाकर हमले करना आरएसएस एजेंडे का हिस्सा। मोदी अकलियतों पर जुल्म और सितम की हिमायत करता है। वजीर आजम इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि मोदी की आरएसएस का नजरिया अकलियतों पर जुल्म और सितम की हिमायत करता है। मोदी हुकूमत आरएसएस नजरिए के तहत मुसलमानों को निशाना बना रही है। आरएसएस के गुंडे मुसलमानों पर हमलावर होकर सरेआम कत्ल कर रहे हैं। इन हमलावरों को मोदी हुकूमत और भारतीय पुलिस की हिमायत और सरपरस्ती हासिल है। ख्याल रहे कि दो रोज कबल ननकाना साहब गुरुद्वारा में दो मुस्लिम ग्रोहों में लड़ाई हो गई थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चाय की एक दुकान पर मामूली बात पर तकरार से झगड़ा बढ़ गया और हाथापाई हुई, जिस पर जिले इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया था। ताहम भारत की जानिब से इस वाकये को अकलियतों पर हमले का रंग देने की कोशिश की गयी।